नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, अचानक से सिद्धार्थ शुक्ला के मौत ने पूरे बॉलीवुड को मातम में बदल दिया है। जी हां दोस्तों, अब मुंबई पुलिस सिद्धार्थ शुक्ला के इस मामले की जांच कर रही है और कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस का कहना है कि जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के साथ पूरा का पूरा मामला जो कि रात में ही हुआ था, कुछ इसी तरह से सिद्धार्थ शुक्ला का भी केस सामने आया है और सिद्धार्थ शुक्ला के साथ भी कुछ ऐसा हुआ जिसकी जांच अब मुंबई पुलिस कर रही है। वही छानबीन करते हुए मुंबई पुलिस के हाथ कुछ ऐसे बड़े सबूत लगे हैं जिससे ये साफ साफ हो रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला को हार्ट अटैक नहीं आया बल्कि एक बड़ा साजिश है। जी हां दोस्तों, आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर सिद्धार्थ शुक्ला और उनकी गर्लफ्रेंड शहनाज गिल की है। जी हां दोस्तों, इस तस्वीर में शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला को आपस में लड़ते हुए देखा गया है और ये तस्वीर सोशल मीडिया पे काफी वायरल भी हो रहा है। लोगों का कमेंट भी आ रहा है कि आखिर सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल के बीच किस बात को लेकर झड़प हुई, किस बात को लेकर लड़ाई हुई जिसका पता अब मुंबई पुलिस लगा रही है। और मुंबई पुलिस ने जब इस मामले की छानबीन करते हुए सिद्धार्थ शुक्ला के मां से बात की तब जाके उनकी मां ने एक बड़ा खुलासा किया और उनकी मां का कहना है कि सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल के बीच काफी दिनों से रिलेशनशिप चल रहा था और कुछ दिन पहले ही इन दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही थी। आखिर किस बात को लेकर इन दोनों के बीच झड़प हुआ और किस बात को लेकर इन दोनों के बीच ब्रेकअप हुई और कहीं ना कहीं कुछ इसी तरह से सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी देखा गया था जिसमें सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिया चक्रवर्ती का झगड़ा होता है और उसके कुछ ही दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो जाती है। दोस्तों, अब सिद्धार्थ शुक्ला का यह केस एक मिस्टीरियस केस बनता जा रहा है, काफी उलझता जा रहा है और कहीं ना कहीं सिद्धार्थ शुक्ला का जितना भी फैंस है उन लोगों का कहना है कि इस मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। लेकिन आपको मैं बता दूं कि कुछ इसी तरह से बॉलीवुड के अंदर बहुत सारे मामले भी आए जिसकी जांच सीबीआई की टीम कर रही थी लेकिन अभी तक किसी मामले को सीबीआई की टीम सॉल्व नहीं कर पाई। तो क्या सिद्धार्थ शुक्ला के इस मामले की जांच सीबीआई कर पाएगी कि नहीं, क्या इसका खुलासा हो पाएगा कि नहीं कि आखिर सिद्धार्थ शुक्ला के साथ शहनाज गिल का जो झड़प हुआ, झगड़ा हुआ, उसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला जो कि डिप्रेस में आके कुछ ऐसा कदम उठा लिया जिसके बाद अब वो हमारे बीच नहीं रहे। दोस्तों, इस मामले को लेकर अब शहनाज गिल पर काफी उंगलियां उठ रहा है और कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस भी इस बात की पता लगा रही है कि आखिर शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला के बीच किस बात को लेकर झड़प हुआ और क्या सब हुआ था। दोस्तों, जैसे इसके बारे में कोई भी अपडेट आता है, शहनाज गिल का कोई भी बड़ा बयान सामने आता है, मैं आपको सबसे पहले खबर मीडिया पे जरूर बताऊंगा। धन्यवाद।